नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय एक खबर काफी चर्चा में है। वो खबर है आयरन मैन हार्दिक पाटिल के घर पेट्रोल पंप का हमला हुआ था, उससे जुड़ी हुई। दरअसल 6 मई 2021 को आयरन मैन नाम से मशहूर विरार के हार्दिक पाटिल के बंगले के बाहर दो अज्ञात बाइक सवार आए, उन्होंने पेट्रोल बम का हमला किया और वो फरार हो गए। तब मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उसके आधार पर 3 लोगों को आरोपी बनाया। उन 3 लोगों से पूछताछ के दौरान पुलिस ने और भी अलग अलग 6 लोगों को आरोपी बनाया। इसे कुल मिलाकर अब तक 9 आरोपी इस मामले में सामने आ चुके हैं। इन 9 आरोपियों में सबसे आखिर जो आरोपी नंबर 9 है वो है रोहन जयेंद्र ठाकुर और सन्नी ठाकुर। ये दरअसल जयेंद्र ठाकुर भाई ठाकुर है, उनके बेटे हैं। और इनका नाम सामने आने के बाद में मामला काफी हाई प्रोफाइल सा हो गया है। हार्दिक पाटिल ने भी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले से पीछे हटने को लेकर उन पर दबाव बनाए जाने को, उनको जान से मारने की धमकी दिए जाने का खुलासा किया। हार्दिक पाटिल ने क्या कुछ कहा वो आप आगे सुनेंगे वीडियो में। लेकिन हार्दिक पाटिल ने संगीन आरोप लगाते हुए कहा कि मुंबई की गोल्डन गैंग से जुड़े लोग उनको व्हाट्सएप द्वारा कॉलिंग करके उनको धमकाते हैं कि तुम मामले से पीछे हट जाओ, नहीं तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। यह घटना घटित हुई थी 6 मई 2021 को, जब हार्दिक पाटिल के घर के बाहर पेट्रोल पंप से हमला हुआ था। उसके बाद में पुलिस ने तहकीकात की और तहकीकात में परत दर परत नाम खुलते गए और लास्ट में रोहन ठाकुर का नाम भी सामने आया। हार्दिक पाटिल ने खुद मीडिया को यह जानकारी देते हुए बताया कि उनको ऐसा बताया गया पुलिस द्वारा। रोहन ठाकुर के खिलाफ देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है और फिलहाल रोहन ठाकुर हुए वो देश से बाहर बताए जा रहे हैं। अब यह मामला काफी हाई प्रोफाइल है क्योंकि एक तरफ आयरन मैन प्रतिस्पर्धा के विजेता आरोप लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ आरोप जिनके ऊपर लग रहे हैं वो और कोई नहीं, भाई ठाकुर का अपना बेटा है। अब देखा जाएगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। जो पेट्रोल बम हल्ला हुआ था, क्या पूरा कारण था और किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे शुरू है और बेल जो रिजेक्ट हुआ उसके बारे में क्या पूरी जानकारी देंगे? पेट्रोल बम हमले का कारण मैंने जैसे बताया कि सनी ठाकुर और मेरे बीच में कौटुंबिक वाद था, फैमिली इशू था, उसके चलते आरोप हमला हुआ है ऐसे मुझे लगता है। लेकिन जब तक सनी ठाकुर की कस्टडी नहीं मिलती तब तक एग्जैक्ट और रियल कारण नहीं पता चल सके। सर, कितने लोगों पर मामला दर्ज था और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस तरीके से पुलिस द्वारा की जा रही है, क्या बताएंगे? इनिशियली 3 आरोपी अरेस्ट हुए थे A1 को, उसके बाद अब तक 9 आरोपी है और उसमें 7 आरोपी का बेल हो चुका है, 2 आरोपी कंचन ठाकुर और सनी ठाकुर फरार है। क्या लगता है इस मामले में और भी आरोपी हो सकते हैं? शायद हो सकते हैं, जैसे इनिशियली 3 ही आरोपी थे, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होने के बाद एक एक आरोपी की बढ़ती हो गई और बहुत सारे ऐसे नाम आए जिनका हमें भी अपेक्षा नहीं थी, तो शायद और जो फरार आरोपी है उनके तरफ से भी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि और कोई विरार का वसई का जैसे नामांकित लोग है उसमें ये जो कंचन ठाकुर, राज पाटिल और सनी ठाकुर उनके अलावा और भी कोई बड़े लोगों का नाम आ सकता है या वो हम उसके इंतज़ार में हैं। अभी 7 आरोपी गिरफ्तार हैं, उन पर मामला दर्ज, 2 फरार हैं। क्या अभी भी आपको जान का खतरा है? मैं समझता हूँ अभी भी जान का खतरा है क्योंकि एक आरोप हमारे हिसाब से शैलू खोपड़े जो रेगुलरली मुझे कॉल करके धमकी दे रहा है, केस पीछे लेने की बात हो रही है और मर्डर करने की धमकी दे रही है, फिलहाल वो आरोपी नहीं है अभी तक, तो हम इंतजार कर रहे हैं कि उसके अलावा और भी कोई आरोपी है जो सब FIR में आने चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, उनकी कोशिश चालू है हमारी। सर, जानकारी किस तरीके से मिली कि सनी ठाकुर इस चीज़ में आरोपी है और बाकी लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है, किस तरीके से? सनी ठाकुर का मुझे कॉल आया था, उस हिसाब से धमकी दिया था, उसका मामला दर्ज है, एज वेल एज जो आरोपी है उन्होंने JMFC में कन्फेशन दिया है, उसी तरीके से सनी ठाकुर का इसमें पूरा सक्रिय सहभाग है ये पता चल रहा है। सर, पुलिस द्वारा इस मामले पर ठीक तरीके से तपास किया जा रहा है? अभी फिलहाल देखने जाएंगे तो हम सेटिस्फाइड तब तक नहीं हो सकते जब तक
सभी आरोपियों का सज़ा नहीं मिल सकती है, पर पुलिस के तरफ से बहुत से इन्वेस्टिगेशन अच्छे हो रहे हैं, इसलिए इन सबका नाम आया है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि जो शैलू खोपड़े जो अभी तक फिलहाल FIR में नहीं आया, उनका भी डेफिनेटली वो भी आरोपी होंगे ही आने वाले दिन में। एक खेलाड़ू है वसई विरार मध्ये राहणार आहे, वसई विरार मध्ये सनी ठाकूर, राज वसंत पाटील आणि कांचन ठाकूर असे समाजकंटक असतील तर आमच्यासाठी आमच्यासारख्या स्पोर्ट्स पर्सन किंवा इतर अधिक दुसऱ्या रेग्युलर लोकांनी कुठे जायचं, मारामारी धमकी देणं आणि हे मर्डर आणि या सगळ्या गोष्टी आमचा पार्ट नाही, आम्ही काय त्याच्या अगेन्स्ट करू शकत नाही, त्याच्यासाठी आम्ही पोलिसांची पायरी चढली, न्यायालयाची पायरी चढली आणि पोचक मिळेल एक जाप बसेल वसई विरार मधल्या अशा समाजकंटकांना की कुठल्या पद्धतीचं तुम्ही इलिगल गोष्ट केली, कायद्याच्या उल्लंघन केलं तर त्याचा परिणाम भोगायला लागणार आहे, जेणेकरून देखील मला धमकीचे कॉल केलेले आहेत, त्यांच्या देखील त्याच्या अगेन्स्ट देखील पोलीस कंप्लेंट केलेली आहे, सर एव्हरीथिंग इज रेकॉर्डेड ऑन माय कॉल, त्याचबरोबर डॉक्युमेंटेशन एव्हिडन्स म्हणून पण आम्ही ते कोर्टात दाखल केलेलं आहे। FIR झाल्यानंतर जवळपास एकाच महिन्याने शैलू खोपडे या इस्माने मला 2 ते 3 वेळा धमकीचे कॉल केले, त्याच्यात पूर्णपणे त्याने मेन्शन केलेलं आहे की कांचन ठाकूर माझा भाऊ आहे, त्याचबरोबर बाकीचे आरोपी जे आहेत त्यांच्या जोडीला येऊन माझा मर्डर करेल, मला घरात घुसून मारेल आणि अशा प्रकारचे विविध पद्धतीचे धमकीचे त्याने प्रोव्हाइड केलेले होते आणि त्या अनुषंगाने आम्ही त्याची देखील कंप्लेंट केलेली आहे। इतर इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये जशी पुढे येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये अजून कोण आहे का नाही या आरोप या कट रचल्या त्यामागे त्याची माहिती पोलिसांकडून तुम्हाला मिळेलच, आम्हाला आम्ही देखील त्या गोष्टीची वाट बघतो आहे की जे कोण आरोपी आहेत त्यांना 100% सजा लागण्यासाठी जे पण न्यायालयीन कामानुसार आम्हाला करायचे आहे ते आम्ही करत आलेलो आहे आणि पुढे देखील केस तशीच आम्ही लढत राहणार आहे। त्याचबरोबर दुसरी गोष्ट एक अशी सांगू इच्छितो की सनी ठाकूरच्या अगेन्स्ट म्हणजे पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सनी ठाकूर हा भारतात नाही आहे, तो हा कट रचून पळून गेलेला आहे इथून विरारमधून आणि त्याच्या अगेन्स्ट लुकआउट नोटीस ही जारी केलेली आहे, त्याची सर्व न्यायालयीन प्रोसिजर कम्प्लीट झालेली आहे आणि आम्ही वाट बघतोय की कधी जसे बाकीचे आरोपी गजाआड झाले तसे हा पण होईल। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।